हमारे साथ हैं और उत्तरी जी जो हैं वो पिछली बार 2018 में जीती थी, तो यहाँ से सिटिंग विधायक हैं और इसकी खासियत एक है कि यहाँ से हमेशा महिलाएं जीती हैं ऐतिहासिक तौर पे। जी लगातार 20 साल से महिलाएं जीत रही हैं क्योंकि महिला देर हैं तो महिला ही लेकर रहे हैं। महिलाओं के लिए आपने क्या किया, जैसे अब छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए महिला पावर, महिला शक्ति, वुमेन पावर की बहुत बात हो रही है और महिलाएं ज़्यादा भी हैं संख्या में, महिला वोटर्स जो है थोड़ा पुरुषों के मुकाबले में। इस सीट से तो बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी सभी के महिला उम्मीदवार है, आप ऐसा क्या खास करेंगी महिलाओं के लिए, क्या किया कि आपको इस बार भी विश्वास से जिताएंगी? हमारी सरकार तो महिलाएं के लिए काम कर रहे हैं, गौठान खोल रहे हैं, महिलाओं को काम दे रहे हैं, खुद पैसा कमा रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं। तो भूपेश जी बघेल जी ने हमारे सभी वर्ग के लिए काम करे, चाहे किसानों का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे लक्ष्मी योजना का भी। बीजेपी ने भी तो दे दिया महतारी वंदन योजना, पैसे तो सब दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं कुछ और लेकिन करते कहाँ हैं, और कांग्रेस पार्टी जो बोलते हैं उसको करके भी दिखाते हैं। गृह लक्ष्मी योजना से हमारे भूपेश है तो भरोसा है पूरा करेंगे, एक साल में 15,000 करेंगे हमारे सरकार गृह लक्ष्मी योजना से। और भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं कि 1,000 देंगे एक महीना से, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को भी विश्वास नहीं। पहले से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो उसमें खाता का नंबर नहीं, ना मोबाइल नंबर है, किसमें डलाएंगे उसमें। ठीक है, आप सब लोग कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ इस क्षेत्र, मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष। आप महिलाओं के लिए क्या चाहेंगी यहाँ के? महिलाओं के लिए हम लोग विकास ही चाहेंगे। पर क्या विकास में, हाँ, मतलब कुछ खास महिलाओं को, हाँ, यहाँ पर क्या तकलीफ है, वोटर्स हैं ज्यादा, कैंडिडेट्स सारी महिलाएं लोग को हम लोग अपना लोग समूह बना के दिए, उन लोग को छोटे छोटे उद्योग बना के दिए। अच्छा। उन लोग आज अपना खुद से खड़े होकर अपने कमा रहे हैं, अपने खुद से पैर में खड़े होकर कमा रहे हैं। आपने कोई बताएगा कि इस सीट में ऐसा क्या खास है कि सिर्फ महिलाएं उम्मीदवार है, महिलाएं जीतती हैं? जी यहाँ हमारी जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति, सबसे पहले जिंदाबाद बोलूंगी नारी शक्ति को। यहाँ जितने भी पुरुष प्रधान हैं सामने आने के लिए आगे मौका दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा तरीका से, जितने सारे खड़े हुए हैं सब जनप्रतिनिधि हैं, तो उनके काम, उनके सब चीज़ के लिए पुरुष लोग आगे बढ़ने के लिए अनुमति दे रहे हैं, उसके लिए पुरुष प्रधान को धन्यवाद देना चाहूँगी। देख सकती है हमारी विधायक महिला, जिला पंचायत महिला, नगर पालिका अध्यक्ष महिला, हमारी कलेक्टर भी महिला है, तो उनके लिए जो भी दुख सुख होगा हम साथ रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये बहुत यहाँ पे खास बात है कि सारी कैंडिडेट्स महिलाएं हैं, कलेक्टर भी महिलाएं हैं और महिला जो है वो पुरुष प्रधान समाज को धन्यवाद भी दे रही है कि आगे बढ़ने का मौका दिया है, तो आप शुक्रगुजार भी हैं। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि क्या यहाँ के मुद्दे हैं और क्या वो सभा में क्या हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार नारे तो लगाते हैं कि कौन बात की, कौन बात की चिंता बा, काका जिंदा है, काका अभी जिंदा है, काहे का चिंता है, गाय का चिंता है, काका अभी जिंदा है। जब तक काका है नारियों का सम्मान छत्तीसगढ़ में हमेशा से मिलता है। ठीक है, तो देखते पूछते हैं और क्या चिंता है। तो अभी अभी यहाँ पे सभा खत्म हुई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, उत्तरी जांगड़ यहाँ पे उम्मीदवार है। अब यहाँ पे जो जनता है जो मुख्यमंत्री का भाषण सुनने आई थी, हेलीकॉप्टर उड़ गया है, यहाँ पे जनता है और क्या क्या वादे मुख्यमंत्री ने किए हैं, क्या क्या बातों पर विश्वास है आप लोगों को, आप में से बताना चाहेंगे कोई कि मुख्यमंत्री के भाषण में क्या अच्छा लगा? वो बार बार कह रहे थे कि चिंता की क्या बात है, काका अभी जिंदा है। हाँ जिंदा है काका अभी, कोई चिंता करने की बात नहीं है, जो भी वो बोला है कर रहा है धीरे धीरे। आप क्या काम करते हैं? मैं एक कृषक हूँ, किसान। कैसे, कौन सा सरकार ने काम किया है हमारे लिए? भूपेश सरकार बहुत अच्छा काम किया है, जो भी वादा किया अभी तक वो निभाते हुए अभी तक तो आ रहे हैं। इस बार चुनाव है सीट में, क्या मुद्दे क्या है, किस बारे में आप क्या चाहिए सरकार से, अब तक क्या किया सरकार ने? इस बार के चुनाव में देखिए, हम सभी किसान परिवार से आते हैं तो सब किसानों का मुद्दा था। पिछली बार धान जो 15 क्विंटल हो रहा था तो धान बेचने में हमको असुविधा हो रही थी, जो धान बच रहा था उसको बेचने में समस्या हो रही थी, लेकिन उसको भूपेश बघेल जी ने 20 क्विंटल कर दिया, जिससे सभी किसानों को बहुत ज्यादा राहत मिली है और फिर से एक बार कर्ज माफी करने का घोषणा किया है।